फ्रेंड, वेलकम टू अमित क्लासेस न्यू मंथ फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से ढेर सारे जीएस की प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप जो सेकंड पेज में जो देख रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल बीपीएससी एंड ऑल एग्जामिनेशन 2020 अल्टरनेटेड क्लासेस टू सॉल्व डेली 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमेशा हम लोग करते आ रहे थे। लेकिन अब मैंने क्या किया कि इसे दो पार्ट में कर दिया, एक जीके एक जीएस। जीएस का तो ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे थे दो चार दिन से। हमने सोचा कि सारी प्रश्न जितने भी पूछे गए इस सारी एग्जामों में, इस सारे प्रश्न को मैं क्यों ना एक सही तरीके से वीडियो बना के आप लोगों के बीच दूँ, और जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी उसके कॉन्सेप्ट के साथ, प्रश्नों के साथ चलेंगे हम लोग और हर चीज़ का डिस्कस करेंगे। इसे मैंने दो भाग में बांट दिया, एक जीके एक जीएस। जीएस की हमारी वीडियो अपलोडेड होती थी 10 बजे मॉर्निंग में, और जीके का मैंने कर दिया 7 के 7 बजे शाम में। तो जैसे जीके में मेरा रहा हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री को मैंने बांट दिया मंडे टू ट्यूजडे, ज्योग्राफी को वेडनेसडे टू थर्सडे, पॉलिटी को फ्राइडे एंड सैटरडे, इकोनॉमी संडे। उसी तरह मैंने जीएस को भी, मैंने सोचा कि एक ही फिजिक्स को क्या इतना क्वेश्चन दे, इससे बेटर है। मैंने क्या किया, उसको एक शेड्यूल बना दिया। उसे मैंने रखा कि फिजिक्स को मैं मंडे टू ट्यूजडे रखा, 2 दिन फिजिक्स का प्रश्न रहेंगे 2020 जो हम लोग गेम खेलते हैं, और केमिस्ट्री का वेडनेसडे टू थर्सडे, बायोलॉजी का फ्राइडे टू संडे सैटरडे सॉरी, इकोनॉमिक का भी संडे। मतलब इकोनॉमिक का मैं मॉर्निंग में भी वीडियो अपलोडेड होगा फर्स्ट टाइम मॉर्निंग, और इवनिंग टाइम में भी, ठीक है। उसके बाद किसी भी तरह के इस में हमारे वीडियो के प्रश्नों में अगर किसी तरह की भी प्रॉब्लम होती है, आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पर लिख के आप दे सकते हैं, ठीक। चलिए डेली 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं इस चैनल के माध्यम से। आज जनरल साइंस है और डे 11 है। आज जनरल साइंस के भौतिक विज्ञान के प्रकाश के बारे में, प्रकाश का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 20 मिनटों में, ठीक है। चलें, आप लोगों का कीमती वक्त अधिक ना लेकर अपनी क्लासेस की शुरुआत दो लाइन प्यारी सी साड़ियों से, मोटिवेशनल साड़ियों के साथ हम लोग करते हैं। देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के ना गिर, देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा कर ना गिर, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए। चलिए, इतनी प्यारी मोटिवेशनल साड़ी के साथ अपनी क्लासों की शुरुआत आज करते हैं। 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ लाइट। चलिए, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। ऑप्शन ए व्रिल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। ऑप्शन बी सघन माध्यम से व्रिल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। ऑप्शन सी व्रिल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। ऑप्शन डी सघन माध्यम से व्रिल माध्यम की ओर। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण अधिक कोण से अधिक के साथ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार, प्रश्न संख्या 2। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ऑप्शन ए अपवर्तन और प्रक्षेपण,
ऑप्शन बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन और परावर्तन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन डी अपवर्तन और परावर्तन के कारण से इंद्रधनुष बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 33। मृग मरीचिका का बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाले प्रघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विवर्तीकरण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 4। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन ए इसकी आणविक संरचना के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के शोषण के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी कुछ अन्य निहित गुण के कारण। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे यह, प्रश्न संख्या 5। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? चलिए ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 6। चंद्रग्रहण घटित होता है, ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी अर्धचंद्र के दिन, ऑप्शन डी अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 7। सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए प्रतिपदा मतलब अमावस्या, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी किसी भी दिन, ऑप्शन डी यथोर्थार्थ चंद्रमा के दिन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए अमावस्या। चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 8। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, पूर्ण
सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है? ऑप्शन ए 250 सेकेंड, ऑप्शन बी 460 सेकेंड, ऑप्शन सी 500 सेकेंड, ऑप्शन डी 600 सेकेंड। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी 407 सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन बी पृथ्वी बीच में हो, ऑप्शन सी सूर्य बीच में हो, ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए को मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में होता है। किसके बीच में भाई? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 10, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 6 मिनट, ऑप्शन डी 4 मिनट। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस विकल्प के अनुसार से ऑप्शन ए 8 मिनट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 11, प्रकाश का वेग है ऑप्शन ए 3×10^8 cm पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3×10^8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3×10^8 माइल पर सेकेंड। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का हल सही हल विकल्प बी 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 12, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन ए हीरे, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी निर्वात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके इस प्रकार। प्रश्न संख्या 13, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी वैसी ही रहती है, ऑप्शन डी सहसा गिर जाती है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी वैसी ही रहती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 14, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं।
प्रकाश में ध्रुवन की घटना ये सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। ऑप्शन ए तीक्ष्ण, ऑप्शन बी प्रागामी, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ, ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी अनुप्रस्थ। चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50। सूर्य लगभग 4×10^26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? फिर से एक बार, सूर्य लगभग 4×10^26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? ऑप्शन ए 4×10^7 kg/s, ऑप्शन बी 4×10^9 kg/s, ऑप्शन सी 4×10^11 kg/s, ऑप्शन डी 4×10^13 kg/s। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी 4×10^9 kg/s। ठीक है, चलते हैं आप उन अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 16। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए तरंग के समान, ऑप्शन बी कण के समान, ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन डी तरंग एवं कण के समान नहीं। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। देखिए यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, चलते हैं आप उन अगले प्रश्न की और। प्रश्न संख्या 17। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश के विवर्तक, ऑप्शन डी प्रकाश के परिकीर्णन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलते हैं आप उन अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी अपवर्तन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी ध्रुवन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार। प्रश्न संख्या 19। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? ऑप्शन ए स्नेल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन डी यंग। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी मैक्सवेल। चलते हैं आप उन अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 20। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है?
प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए अनुप्रस्थ रंग। यह प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया था। चलते हैं अपने सेशन की लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन बी हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन सी प्लांक के द्वारा, ऑप्शन डी फैराडे के द्वारा। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले नए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के साथ चले जाए। टेक केयर, बाय बाय।